सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। सो आज का टॉपिक रहेगा अपना जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक मैकेनिज्म है जो कभी नाम हमने सुना नहीं होगा, जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो बेसिकली जे रिसेप्टर्स दिस आर द रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट जक्स्टा मेड्यूलरी, ठीक है ना। सो दिस आर फाउंड एडजेसेंट टू द एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के बीच में पाया जाता है। पीक में आपको बता दूंगा, इसीलिए हम इसका दूसरा नाम भी पढ़ा है कि जक्स्ट्रा मेडुलरी रिसेप्टर्स, जक्स्ट्रा पल्मोनरी रिसेप्टर्स भी इसे कहा गया है। तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द इंडियन फिजियोलॉजिस्ट, दैट इज AS पेंटल। तो यहाँ पे INICT में क्वेश्चन आया था कि AS पेंटल का पीक दे दिया था और पूछा था कि इनका क्या मतलब इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। बेसिकली AS पेंटल वॉज फ्रॉम फिजियोलॉजिस्ट फ्रॉम द एम्स, सो दैट्स वाई दैट क्वेश्चन वॉज आस्क मे बी। सो जे रिसेप्टर्स क्या है, दे आर ऑल्सो नोन एज सी पल्मोनरी फाइबर्स, पल्मोनरी सी फाइबर्स विच आर नथिंग बस बट द अनमाइलिनेटेड फाइबर्स ऑफ द वेगस नर्व। जो वेगस नर्व है ना, उसके जो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स है ना, उसकी नर्व एंडिंग्स को ही हमने जी रिसेप्टर्स कहा हुआ है। अब देखो, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, बट येस आपको सिर्फ एक छोटा सा ये रिस्पॉन्स वाला टॉपिक का याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है या फिर शॉर्ट नोट में भी यही आता है। अब देखो, ये जी रिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होता है, तो जब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्टिमुलस देखे, लाइक नेचुरल स्टिमुलस क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन या फिर इडिमा भी हो सकता है। एंड आर्टिफिशियल अपना स्टिमुलस क्या होगा, हेलोथेन या फिर फिनाइल डाइगुएनाइड ड्रग, ये दोनों ही ड्रग इसको स्टिमुलेट करती है। अब देखो, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट्स अ हाइपोथेसिस, ऐसा माना गया है, इसका कुछ ऐसे प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। सो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन ICF में फ्लूइड बढ़ जाएगा, इसकी वजह से कोलेजन जो प्रेजेंट है ना, इट एक्ट्स लाइक अ स्पॉन्ज एंड जे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगी। बट ये आपको याद नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स हो रहा है या फिर रिस्पॉन्स हो रहा है, उसके रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें होती है। तो जब भी जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स होगी तो उसके रिस्पॉन्स में देर विल बी द एपनिया फॉलोड बाय टैकीपनिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड स्केलेटल मसल वीकनेस। ये पूरा सेंटेंस आप याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आता है। तो जब भी जे रिसेप्टर रिस्पॉन्स आएगा, उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स मिलेगा हमको, एपनिया विच इज़ फॉलोड बाय टैकीपनिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड स्केलेटल मसल वीकनेस। अब देखो मैं समझाता हूँ, ये क्या होता है, एपनिया मतलब टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, टैकीपनिया मतलब रैपिड एंड डीप ब्रीदिंग, एंड हाइपोटेंशन पता है, एंड स्केलेटल मसल वीकनेस, एंड ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज हार्ट रेट। तो जब भी अपना जे रिसेप्टर रिस्पॉन्स देगा मतलब एक्टिवेट होगा, तो उसके रिस्पॉन्स में ये अपना मिलेगा हमको, ये चार रिस्पॉन्स मिलेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज़ अ डिस्करेज द एक्सरसाइज। तो देखो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि हम गए कश्मीर, तो एट अ हाई अल्टीट्यूड क्या होगा, हाई अल्टीट्यूड पे अगर हम करेंगे हैवी एक्सरसाइज, इफ वी डू द हैवी एक्सरसाइज एट अ हाई अल्टीट्यूड, तो क्या होगा, अपनी बॉडी तो ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, और एंड वी आर डूइंग द हाई एक्सरसाइज, सो अवर बॉडी कहेगी कि भाई एक्सरसाइज मत कर। तो एक्सरसाइज को डिस्करेज करने के लिए इट विल डू रिस्पॉन्स क्या, नेचुरल स्टिमुलस क्या देगी, पल्मोनरी कंजेशन कराएगी बॉडी। क्यों करवाएगी, बिकॉज हमको एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हाइपोक्सिया हुआ है, मतलब हाई अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम है, और अगर हम करेंगे अपना हाई एक्सरसाइज करेंगे तो देर विल बी मोर प्रॉब्लम्स। सो ये जे रिसेप्टर्स तब अपना एक्टिवेट करेंगे, एंड इट विल डिस्करेज द एक्सरसाइज वाया एक्टिंग, मतलब वो स्टिमुलस देके कि पल्मोनरी कंजेशन का स्टिमुलस करवाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर विल बी द टैकीपनिया, ब्रैडिकार्डिया एंड वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल। सो दिस वॉज अ स्मॉल एंड वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ अ जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। जो छोटा सा MCQ आता है वो यहाँ से आता है, ठीक है, और ये गैनोंग में दे रखा है। सो ओके, दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो ऑन द जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। नोट्स इन द दिस विल बी गिवन इन द टेलीग्राम चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।